अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोर साइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीर नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात के हवाले से। कुछ ही रोज़ रह गए हैं सदारती इंतखाबात में और मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। अमेरिकी सदर, मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके रिवायती हरीफ जो बाइडन हमें मद्दे मुकाबिल नज़र आते हैं और बहस मुबाहसे का जो एक सिलसिला है वो जारी व सारी है। जबकि जो 15 अक्टूबर को मुबाहसे का दौर होना था वो अब कैंसिल कर दिया गया है और हतमी मुबाहसा 22 अक्टूबर को होगा। क्या कुछ होने जा रहा है इन इंतखाबात में, कितने उम्मीदवार ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सदर ट्रंप मुंतखब हों एक मरतबा फिर अमरीका के लिए, और कौन ऐसा है जो चाहता है कि जो बाइडन अमरीकी सदर बनकर अमरीकी अवाम के लिए वो तमाम तर चीज़ें मुकम्मल कर सकें जिसके वो ख्वाहां हैं और वो पॉलिसी अपना सकें जो अमरीकी चाहते हैं, क्या होने जाएगा, इस पर कुछ बातचीत करेंगे। मसूद अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। साथ साथ हम कुछ बात करेंगे अफगानिस्तान से नेटो और अमरीकी फौजियों के इनखला के हवाले से। एक मरतबा फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हमें ये इंडिया देते हुए नजर आए हैं और उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें कहा है कि क्रिसमस से कबल तमाम तर ज्यादा से ज्यादा जो नेटो अफवाज या जो यूएस फोर्सेस इस वक्त अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं उनकी वापसी मुमकिन बनाई जाएगी। और यह कहा जा रहा है कि चूंकि ये इनके मंशूर का एक हिस्सा है फौजों की वापसी और इस मंशूर पर उनको इंतखाबात से कबल अमल दरामद करना ज्यादा जरूरी है और चूंकि वो लोगों से वोट इसी बुनियाद पर लेकर आए थे कि जो कहा है वो करेंगे, लिहाजा कवि इम्कान है कि फौजों की मुकम्मल तौर पर तो वापसी नहीं हो सकेगी लेकिन एक बड़ी तादाद अपने मुल्क वापस लौट जाएगी। तालिबान ने खासी पजीराई जो है वो बख्शी है स्टेटमेंट इसके ट्रंप के इस बयान को और वो उसको खैर मकदम करते हुए नजर आते हैं कि फौजों का इनखला अगर हो जाए तो तालिबान का जो एक देरीना मुतालबा है वो भी पूरा हो सकेगा। इस पर कुछ बातचीत करेंगे कि कितना ये पूरा होगा या नहीं होगा। इसके लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब मौजूद होंगे जबकि अमरीकी इंतखाबात के हवाले से सीनियर सहाफी और तजियाकार मसूद अब्दाली हमारे साथ मौजूद होंगे। दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम फोर साइट में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात में क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर बातचीत का आगाज करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी और तज़ियाकार मसूद अब्दाली। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहला सवाल यही आपसे मैं करना चाहूंगी कि जिस तरह से एक रिवायती जोश खरोश का मुजाहरा देखा जा रहा है इंतखाबात के नज़दीक आते आते और गो के ट्रंप की तबीयत नासाज होने की बिना पर कुछ तातुल इसमें आया, लेकिन अब भी आप किस तरह से देखते हैं कि ट्रंप के हामियों की एक बड़ी तादाद है जो चाहती है कि अमरीकी सदर ट्रंप ही एक मरतबा दोबारा मुंतखब हों और उन्हीं को सदारत के मनसब पर फाइज किया जाए। आपको क्या नजर आ रहा है कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में आखिर क्या होने जा रहा है? देखिए, इंतखाबात के बारे में जैसे कि मैंने पहले भी एक नशस्त में अर्ज किया था कि अमरीकी इंतखाबात जो है उनके बारे में पेशेंट गोई करना इसलिए बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर फैसले जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज से होते हैं पॉपुलर के मुकाबले में। यानी गुज़िश्ता इंतखाबात में भी हिलरी क्लिंटन ने 35 लाख वोट ज़्यादा लिए थे लेकिन वो इलेक्शन हार गई थी, इसलिए कि पॉपुलर वोट जो है वो इलेक्टोरल वोट ज़्यादा थे। तो ये कुछ 4-5 रियासतें हैं जिनके वोटों के बुनियाद पर हमेशा फैसला हो रहा है। तो इसलिए यानी इस वक्त ये कहना कि और मुकाबला बहरहाल सख्त है, जितने जायजे हैं उसके मुताबिक जो है वो अक्सर रियासतों में जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स है उसके अंदर जो है मुकाबला बहुत सख्त है, इसलिए फिलहाल ये कहना मुश्किल है। और ये 2016 में ऐसे हुआ था क्योंकि पॉपुलर वोट जो है उसमें बहरहाल इनको बर्तरी हासिल है, हिलरी क्लिंटन को भी थी और जो बाइडन को भी थी। इस बात में तो कोई कलाम नहीं कि पॉपुलर वोटों में वो क्लीन स्वीप करेंगे, जीतेंगे, यानी कम अज कम 30-35 लाख वोट के ज्यादा होंगे इनके, क्योंकि बड़ी बड़ी रियासतें जो है न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया है, ये न्यू जर्सी है, ये बड़ी बड़ी इलिनॉय है, ये बड़ी बड़ी रियासतें जो है डेमोक्रेट्स का गढ़ है। लेकिन जाहिर है फैसला चूंकि इलेक्टोरल वोट पर होता है इसलिए छोटी बड़ी रियासतें जो है सब असर डालती हैं। तो जो 4-5 रियासतें हैं उसके अंदर इनके असरात जो है वो मतलब मुकाबला बहुत सख्त है। और फिर एक और बात यह कि सदर ट्रंप एक नजरियाती रहनुमा है, आपको पता है कि ये रिवायती सियासत में नहीं थे, किसी पार्टी के रुकन नहीं थे और ये इनकी जो पूरी सियासत उसके बुनियाद अमेरिकन नेशनलिज्म है, अमेरिकी कौमियत के बुनियाद पर लड़ रहे हैं, जाहिर जिसकी बड़ी अहमियत है कि वो लोग समझते हैं कि गैर मुल्की आके उनकी जॉब्स ले रहे हैं, लोगों का ख्याल है कि
जो बड़े ममालिक हैं चीन और दूसरे ममालिक जो है वो कोरिया जापान ये अपनी चीजें जो है डंप कर रहे हैं अमरीका के ऊपर, तो इन सब बातों पर चूंकि उनका बड़ा जज्बाती अंदाज है इसलिए इनके हामी जो है वो खासे इंटैक्ट हैं। और फिर आजकल चूंकि यानी इस वक्त उन्होंने एक जनरल तासुर ये दिया हुआ कि ये लोग बाएं बाजू के हैं बाइडन साहब, बल्कि उन्होंने दिया कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट हैं ये जो टैक्स बढ़ाना चाहते हैं और नए कवानीन नाफिज करना चाहते हैं जिसकी वजह से ये मईशत तबाह होगी। तो इसकी वजह से इनके यानी इस बात में तो कोई शक नहीं है कि मुकाबला बहुत सख्त है और इनके हामी बहरहाल बहुत बड़ी तादाद में हैं। अच्छा अब्दाली साहब ये बताइए कि बहुत ही कम वक्त रह गया है और अगले माह इंतखाबात होने जा रहे हैं और सितंबर से ही ये अर्ली पोलिंग का सिलसिला जारी और सारी है, अब तक क्या कुछ सामने आ सका है इस अर्ली पोलिंग के नतीजे में भी? और जिस तरह से ये कहा गया कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स देखी गई इस दौरे हुकूमत में और डोनाल्ड ट्रंप ने वो तमाम तर तकरीबन उमूर सर अंजाम दिए जो उनके मंशूर का हिस्सा थे, जिसमें एक बड़ी चीज़ अफगानिस्तान के हवाले से भी थी कि फोर्सेज का इनखिला नहीं बनाया जाएगा, हमने देखा कि ऐसा हो रहा है और अफगानिस्तान में जो तालिबान धड़े हैं उनको भी मुतहद करके उनसे मुजाकरात करने की कोशिश की गई है, साथ साथ एक इसराइल के साथ जो इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की गई है कुछ अरब ममालिक की भी, क्या इन तमाम तर चीज़ों के बेनिफिट्स हासिल होंगे सदर ट्रंप को, उनको फायदा रहेगा, वो ज्यादा वोट गेन कर सकेंगे? देखिए सबसे ज्यादा अहम बात जो अदलिया है, आपको मालूम है अमरीका में अदलिया जो नजरियाती बुनियादों पर तकसीम है, ये 9 जजों का बेंच है, पहले जब ये जिस वक्त इख्तदार संभाला था इन्होंने उस वक्त जो था वो 4-4 से बराबर थे, 4 लिबरल थे और 4 कंजर्वेटिव या कदामत पसंद थे, लेकिन और एक नशस्त खाली थी, उस नशस्त पे उन्होंने जो है वो एक शख्स को लाए एक जज की नामजदगी की, फिर दरमियान में एक और नशस्त खाली हुई उसके बाद नामजदगी कर दी, तो अब गोया वो यानी इस वक्त जो है वो 5 और 4 से इनके हक में है अदलिया, और अभी एक और नशस्त खाली हुई है इसलिए कि लिबरल जज साहबा का इंतकाल हुआ है गिन्सबर्ग का, उसकी जगह वो चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले जो है नामजदगी कर दें, तो ऐसा हुआ तो ये तकरीबन ये बेंच जो है 6-3 से जो है कदामत पसंद हो जाएगा। असल बहुत बड़ी कामयाबी इनकी जो है जिसकी वजह से इनके हामी खासे पुरजोश हैं इस वक्त वो ये है कि उन्होंने अदालत जो है, और फिर आपको बारे में कि अमरीका में जो अदालतों की जो तकर्री होती है ताउमर होती है इसका, और ये सारे यंग जो 3 नए 2 तो वो लोग हो गए संभाल लिए उन्होंने अपने अपनी जगह, और एक जो दूसरी खातून को नामजद किया वो भी 40 साल की हैं, ये सारे यंग लोग हैं 40 से 45 के एज के, और ये लोग जाहिर सी बात है कि उसकी वजह से तो बड़ा कारनामा इनका ये है कि उन्होंने अदलिया में तब्दीली लाई। बैन अवी मामला में देखिए एक बात इनकी है ट्रंप साहब की कि वो ये कहते हैं कि अमरीकी दौलत अमरीकी आवाम के लिए है और हमारी दौलत जो है वो दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उनका ख्याल ये, उन्होंने खुद ही कहा था हमने पहला वजह दुनिया भर के अंदर पुलिसमैन का किरदार लिया हुआ है, हम अपने लोग भी ज़ाया कर रहे हैं हमारे पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं। देखिए मामला खाली अफगानिस्तान का नहीं, इन्होंने शाम से फौज बुला ली और अभी ये खबर है कल या परसों गालिबन अमरीकी वजीर खारजा ने बताया है इराकी वजीर आजम को कि हम वहाँ से अपनी फौज वापस बुलाना चाहते हैं, बल्कि तो सफारतखाने बंद करना चाह रहे हैं इसलिए कि काफ़ी उन पर हमले हो रहे हैं अमरीकी फौज पर, तो उन्होंने कहा कि हम चूँकि इराकी फौज हमारा दिफा नहीं कर सकती हमारी फौज का लिहाजा हम जो है वहाँ से अपनी फौज वापस बुला रहे हैं। और इराक अफगानिस्तान का मसला भी है कि अफगानिस्तान में बुनियादी मसला ये पैसे का था, अफगानिस्तान में अमरीकी फौज का वहाँ पर क़याम जो है उसका खर्चा $70 अरब सालाना है जो ट्रंप साहब के लिए काबिल कबूल नहीं, इसीलिए हालांकि जो तालिबान से मुआहदा है उसके मुताबिक अमरीकी फौज वहाँ पर 2021 तक रह सकती है, लेकिन कल उन्होंने कहा है कि हम अपनी पूरी की पूरी फौज इस साल क्रिसमस तक बुला लेंगे, और बड़े जज्बाती अंदाज में उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे अपने घरों में क्रिसमस करेंगे, तो ये यानी ये बात बिल्कुल सही है बैन अवी मामला के अंदर वो जिस अपने एक बात बहरहाल ट्रंप साहब की जो है वो काबिल सत्ताईश है कि ट्रंप साहब अपने वादे याद रखते हैं, सारी बातें जो उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान की थी वो सारे के सारे उनके मुहिम का हिस्सा था कि वो कहते थे हम बाहर जो है पुलिसमैन का किरदार नहीं करेंगे और अपनी फौजें वापस बुलाएंगे, तो उन्होंने देखे अफगानिस्तान से फौज बुलाना सबसे मुश्किल काम था, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहाँ से भी वो फौज बुलाने में कामयाब हो रहे हैं और ये हो जाएंगे अगर वो वादे अपने कायम रहे, तो ये तो बहरा लिखा। इसी तरह उन्होंने जो है दरामदाद पर पाबंदी लगाई, ड्यूटी आयद की चीन पे और अपने दोस्तों पे यूरोपीय यूनियन और कनाडा और मेक्सिको इस सब के ऊपर उन्होंने उनके दरामदादी महसूलात बढ़ाए उन्होंने, तो ये बात तो सही कि उन्होंने जो उनका वादा था कि अमरीकी मफादात की हिफाजत करेंगे, अमरीकी जो सार्फीन है अमरीकी जॉब्स जो है उनका दिफा किया जाएगा, अमरीकी सरहद का दिफा किया जाएगा, तो ये बात है कि उन्होंने इस बारे में तो मुखलसाना तौर पर काम किया है जिसकी वजह से वो अपने हल्कों में
जिन लोगों ने 2016 में वोट दिया था वो तो यकीनन इस बारे में इनको वोट देंगे। थोड़ा सा ईरान के बारे में मुझे बताइए कि जिस तरह हमें जो बाइडन मुसलसल मुसलमानों की हिमायत में बयानात देते हुए नजर आए हैं और थोड़ा सा हमदर्दी का अंसर उनमें पाया जाता है और जिस तरह से काबिल नफरत समझा जाता रहा है माजी में मुसलमानों को, उनकी तमाम तर एक्ट्स को, जो बाइडन इसके थोड़ा सा हमें मुतरादिफ नजर आ रहे हैं, तो अब ईरान की अगर हम बात करते हैं तो उनके इन तमाम तर बयानात में या इंतखाबी मुहिम के दौरान ईरान के हवाले से कोई खास काबिल सताइश काबिल तारीफ बयान नजर नहीं आ सका, तो ईरान को लेकर क्या पॉलिसी होगी अमरीका की अगर जो बाइडन मुंतखब हो जाते हैं वो फतह हासिल कर लेते हैं ट्रंप पर, या ट्रंप ही अगर दोबारा मुंतखब होंगे तो ईरान के लिए क्या कुछ सख्तियां कम होंगी या उसमें मजीद इजाफा होगा? देखिए, एक जो बुरी बात और अच्छी बात दोनों कही जा सकती है ट्रंप के मामले में, वो अपने मौके पे सख्त तो हैं लेकिन वो आलमी लड़ाई नहीं चाहते, वो हमेशा इससे कोशिश करते हैं कि लड़ाई किसी तरीके से जो है वो ना हो। आपको याद होगा कि ईरान ने इनका एक ड्रोन गिरा लिया था, बहुत कीमती ड्रोन था वो, और उसके बाद इनके जवाबी हमले के लिए तैयारी कर ली थी, और उसके बाद उन्होंने खुद ट्रंप ने कहा कि मैंने जनरल से पूछा कि जनरल ये बताओ कि इस हमले में कितने लोग मर सकते हैं, तो उसके बाद 2000 के करीब लोग ईरानी मर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने हमला रोक दिया इसलिए कि ईरान ने हमारा ड्रोन गिराया था, उसमें कोई हमारे जानी नुकसान नहीं हुआ था, लिहाजा हमें मुनासिब नहीं है कि हम ऐसा जिसलिए ये जो होगा उसके मुकाले में हम उनके लोगों को मारें ये मुनासिब नहीं है और ये अच्छा रद्दअमल नहीं होगा, तो उन्होंने वो हमला रुकवा दिया बिल्कुल ऐन वक्त पर, बिल्कुल तैयार थे उनके तैयार बमबारी करने के लिए, उन्होंने ऐन वक्त पर रुकवा दिया। इसी तरह ये बात तो उनको तय है कि अगर दोबारा ट्रंप जीते तो इस बात का डर नहीं है कि अमरीका ईरान पर हमला करेगा, वो सख्ती करेगा यानी पाबंदियां और सख्त कर देगा। इसी तरह देखें शुमाली कोरिया का मामला भी था, शुमाली कोरिया और अमरीका तकरीबन लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, फौजी मोबिलाइज हो गए थी, इन्होंने जो पाबंदी लगा इससे इदारे के पाबंदी लगा कि इन्होंने मामले को एक तरीके से काबू में कर लिया और वहाँ कम अज कम फौजी तनाव जो कशीदगी वो नहीं उस इलाके के अंदर, बल्कि इन्होंने जो वहाँ जो फौजी मशकें होती थी इनकी मुश्तरका जुनूबी कोरिया के साथ वो भी उन्होंने खत्म करवा दी। उनका कहना यह था कि उसमें हमारे पैसे खर्च होते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है और पाबंदियों से काम चल रहा है। तो जो आपके सवाल का जवाब यह कि लेकिन दूसरी तरफ यह है कि ओबामा साहब ने जो है उनसे जौहरी माहदा किया था, कोई मालूम है बड़ा मशहूर जौहरी माहदा था कि तमाम ये अकवाम मुत्तहदा के चारों पार्चों अरकान और इसके अलावा जापान और जर्मनी उस माहदे में शामिल थे जिसके अंदर ईरान पे पाबंदी हटा दी गई थी, लेकिन ट्रंप साहब ने आकर के माहदा मनसूख कर दिया और पाबंदियां लगा दी, और बाइडन साहब कहते हैं कि वो दोबारा जौहरी माहदा उनसे करेंगे और ताकि इस मामले को बातचीत के हल किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि ईरान के मामले में ज्यादा मैं नहीं समझता कि पॉलिसी में फर्क होगा, इसलिए कि ये दोनों जो है वो ईरान के मामले में एक तरीके से यानी सख्त रवैया रखते हैं, लेकिन ट्रंप जो है वो यानी उसके कायल नहीं है कि उनसे जौहरी माहदा किया जाए, जबकि चूंकि वो ओबामा साहब ने माहदा किया था जब ये नायब सदर होते थे बाइडन साहब, तो इनका कहना ही है कि वो उस माहदे को बहाल करेंगे, तो इतना सा फर्क नजर आता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ईरान के बारे में कोई फर्क पड़ेगा अगर बाइडन साहब हुकूमत आ गए। अच्छा, फिर कोरोना की सूरत हाल भी थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि तमाम तर चीजें कोरोना की वजह से मुतासर हैं तो यकीनन इंतखाबात पर भी इसका कुछ ना कुछ असर होगा, और जिस तरह से ये अंदाजे और ये गुमान किया जा रहा है कि शायद वोटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन तक ना आ सके, वोट कास्ट ना कर सके कोरोना के पेश नजर, तो क्या इससे कुछ वोट बैंक पे असर पड़ेगा ट्रंप के, कुछ कम वोट कास्ट होंगे या लोग कोरोना से बेखौफ होकर ट्रंप के हामी या जो बाइडन के हामी वोट जरूर कास्ट करने पहुंचेंगे? देखिए, ये बात तो बिल्कुल कहता है कि अगर ट्रंप हारेंगे तो कोरोना की वजह से हारेंगे, इसलिए कि जो आम तासर यह है कि वो कोरोना के मामले में संजीदा नहीं है, उन्होंने बर वक्त कार्रवाई नहीं की, लॉकडाउन देर से किया और मुसलसल वो उसको टालते रहेगी, तो सर दर्द है, मामूली सा नज़ला है, और अभी भी जो उनके साथ रवैया है कि देखें वो कोरोना में मुबतला हुए और सिर्फ दो दिन अस्पताल में रह के वापस आ गए और उसके बाद वो कल से जल्द से आम शुरू कर रहे हैं, और जो आम CDC की हिदायत है वो ये है कि जिस शख्स को भी कोरोना की तशख़ीस हो कम अज़ कम 14 दिन उसको क्वारंटीन में रहना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ 2 दिन के बाद इन्होंने अपने ख़त्म कर दिया और कल वो जैसे मैंने कहा जलसे आम में जा रहे हैं। तो लेकिन जो दूसरी बात आपने फरमाई कि वोटों की वोट कम डाले जाएंगे, तो मेरा ख्याल ये तासर सही नहीं है, वोट ज़्यादा डाले जा रहे हैं, इसलिए कि इस दफ़ा लोग जो हैं वो मेल इन बैलेट के जरिए डाक के जरिए जो है वो वोट डाल रहे हैं, और अमरीका की बहुत सी रियासतों में, यहाँ चूंकि
अमेरिका में काबिल वक्त इंतखाबात शुरू हो जाते हैं, जैसे टेक्सास में जो है 12 तारीख से इंतखाबात मंगल के दिन से जो है वो बैलेटिंग शुरू होगी, अर्ली वोटिंग जिसको कहते हैं, और बाद रियासतों में जो है सितंबर के आखिर से शुरू हो चुकी हैं, सितंबर के दरवस से शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा जो है वो अमेरिका में चूंकि डाक के जरिए वोट डालने का भी निज़ाम है, और कई रियासतों में तो उन्होंने ये कहा, जैसे नेब्रास्का में तो उन्होंने तमाम के तमाम वोटरों को जो है बैलेट भेज दिए हैं डाक के जरिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस दफ़ा वोटों की जिसे कहते हैं कि डालने के तनासब कम होगा। हाँ, इस बार ये ज़रूर होगा कि इंतखाबी नतायज जो हैं वो शायद हफ्ता दो हफ्ता बल्कि गुजरा कहते हैं महीने लग जाए इंतखाबी नतायज को के ऐलान होते होते, और उसके ऊपर बहुत सारे तनाजा होगा, इसलिए कि सदर ट्रंप मुसलसल ही कह रहे हैं कि डाक के जरिए वोटिंग जो है वो धांधली का एक प्री पोल धांधली है, और वो इसको चैलेंज करेंगे। तो लोगों का ख्याल यही है कि यानी वोटों की यानी वोट तो तनासब तो कम नहीं होगा, लेकिन इस दफ़ा इंतखाबात जो है उसके नतायज जो है बड़े मुतनाज़ा होंगे, और मेरा ख्याल है कि इसमें खासे अदालती चूंकि हर रियासत का अपना निज़ाम है इंतखाबात का, यहाँ पर यानी मरकजी इलेक्शन कमीशन यह नहीं होता बल्कि हर रियासत अपना इंतखाब कराती है, तो बहुत सी रियासतों के अंदर जो है वो अभी भी मुकदमा चल रहे हैं। मतलब टेक्सास के अंदर उन्होंने कहा है कि वो एक जगह, गवर्नर साहब ने कहा है कि सिर्फ हर काउंटी में सिर्फ एक जगह वोट डालने के मेल इन बैलेट जो डालने की डाला जा सके एक जगह पर, उसको लोगों ने चैलेंज किया कि ये गैरफितरी बात है, सारे जो लोग कैसे एक जगह जा सकते हैं मेल इन बैलेट देने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि तो वो जस्ट वोट डालने के तनासब तो शायद बढ़ जाए, लग रहा है इस वक्त भी जो खबराएं आ रही हैं वो ये कि बड़ी तादाद में वोट डाले जा रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जो है मेल इन बैलेट के लिए दरखास्तें दी हैं, तो वोट तो डाले जाएंगे, उसमें तो कमी नहीं आएगी, लेकिन मेरा ख्याल नतायज जो है मुतनाज़ा रहेंगे, और मुझे तो लगता है कि इसमें खासी अदालती दौड़ बहुत होगी और इंतखाबी नतायज का ऐलान कम अज़ कम हफ्ते या दो हफ्ते के बाद होगा। बहुत शुक्रिया मसूद अब्दाली, हमारे साथ मौजूद थे और हम कुछ बात कर रहे थे अमरीकी इंतखाबात के हवाले से। अब तक जो कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं और जो सरगर्मियां नज़र आ रही हैं उसके हवाले से उनका ये कहना था कि ट्रंप के गो के एक बहुत बड़ी तादाद में हामी मौजूद हैं और जो बाइडन के उससे ज़्यादा हमें हामी नज़र आते हैं, लेकिन गुज़िश्ता जो मिसालें मौजूद हैं हिलरी क्लिंटन की सूरत में उसमें भी यही था कि वोट्स हिलरी को ज़्यादा मिले थे, लेकिन इलेक्ट्रोलर सिस्टम जो वहाँ का मौजूद है उसके ज़रिए ही ट्रंप एक बार फिर मुंतखब हुए थे। लिहाजा अब कुछ कहना अब लस वक्त होगा, गो के नतायज जो है वो खासे तवील हो सकते हैं कोरोना की वजह से, और ये कहा जा रहा है कि महज चंद रोज ही नहीं चंद हफ्तों के ऊपर भी जो है वो नतायज मुश्तमिल हो सकते हैं कि इंतजार करना पड़े इसका। कुछ अफगानिस्तान के हवाले से बातचीत करेंगे फौजों के इनखिला को लेकर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। अफगानिस्तान से नेटो फोर्सेज और अमरीकी फौजों के इनखला के हवाले से बातचीत करेंगे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त दिया। आप मुझे बताइए कि हालिया बयान को आप किस तरह से देखते हैं, गो के ट्रंप जो कहते रहे हैं उस पर अमल भी हमें होता हुआ नज़र आया है और फौजों की वापसी भी किसी हद तक यकीनी बना दी गई है, तालिबान से मुज़ाकरात भी कामयाब जो है वो कर लिए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पेंडिंग का या अल्तवा का शिकार है, तो आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान से फौजों के इनखला को लेकर जो स्टेटमेंट हालिया क्रिसमस से कबल वापसी की दी गई है उस पर कितना अमल दरामद मुमकिन है? मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं की है कि क्या उनको अफगानिस्तान से जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और अगर नहीं जाना तो भी क्या करना है और जाना है तो भी क्या करना है। मेरे ख्याल में जो ट्रंप साहब है अपने बयान को या अपनी सोच को वो अपने इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ पर उन्हें ये तमाम लोग को इंगेज किया हुआ है, तालिबान का आखिरी डिमांड ये है कि आप यहाँ से बिल्कुल जाएंगे, यानी लॉक स्टॉक एंड बैरल,
और वो कह रहे हैं कि आप अपने फौजों की तादाद को कम करेंगे, तो ये दोनों जो है ये साथ साथ नहीं चल सकती। और कभी अभी जो उसने बयान दिया है कि ये अपने जो क्रिसमस है उसे पहले आ जाएंगे, और बयान भी ऐसे वक्त में जब उनका इलेक्शन कैंपेन जोरों पे है। मैं समझता हूँ कि अभी तक लोगों को यकीन नहीं है कि क्या ट्रंप साहब की जो बयानात है वो एक सीरियस सोच है या ये सिर्फ इलेक्शन के लिए कोई नारा है। मेरे ख्याल में ये एक डेंजरस वो है, इम्प्रेशन है, और मेरे ख्याल में लोग ये बातचीत में जो अभी बहुत सीरियसली लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो फॉलो करना छोड़ देंगे। अच्छा, फिर ये भी कहा जाता है कि अगर अफगानिस्तान से ये नेटो फोर्सेस या यूएस फोर्सेस वापस चली जाएंगी तो वो तमाम तर कोशिशें कहीं रायगा ना चली जाएं जो अमन कायम करने के लिए वहां पर की गई थी, क्योंकि दहशतगर्दों के जो नेटवर्क्स हैं वो तो अब भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। और जिस तरह से हालिया रिपोर्ट की अगर हम बात करें भारत के हवाले से, अगर जो सामने आई है जिसमें कहा गया है कि दाइश को ना सिर्फ ये कि मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि उनकी फंडिंग के जरिए जो है वो दाइश फल फूल रही है, तो अफगान सरजमीन का दाइश के लिए एक उसको कह सकते हैं कि जरखेज जमीन साबित हो सकेगी उनके फलने फूलने के लिए और ये नेटवर्क ग्रो कर सकेगा वहां बआसानी, तो क्या एक मर्तबा फिर अफगानिस्तान का अमन हमें खतरे में पड़ता हुआ नजर आता है फौजों की वापसी से? ये बिल्कुल, असल में इसी के ऊपर तो सोच है कि क्या जब अमेरिका पाकिस्तान ने खुद ये कहा था कि आप सडनली जाएंगे और ऐसा कोई मैकेनिज्म वर्कआउट नहीं करके जाएंगे जिसकी वजह से यहाँ पर अमन रहे या अमन अगर खराब हो तो उसके उसके साथ डील करने का मैकेनिज्म मौजूद हो। तो मेरे ख्याल में ये है कि जाना भी है तो सोचना है और कोई मैकेनिज्म वर्कआउट करना है, नहीं जाना तो फिर भी बता दें कि कैसे आप आगे गुजारा करेंगे। तो मेरे ख्याल में एक सीरियस स्टडी कभी अमेरिका ने शायद की नहीं है कि उन्होंने जाना है नहीं जाना है। हम इंट्रा अफगान डायलॉग की अगर बात करते हैं ब्रिगेडियर साहब, तो हमने देखा कि इससे कबल अमरीका और तालिबान के दरमियान जो मुजाकरात हुए और एक मुहायदे के सूरत में जो कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए उस पर अमल यकीनी बनाया गया, उनके बहुत से कैदी रिहा कर दिए गए जिनके ऊपर भी ये क्रिटिसिज्म हो रहा था कि इनको रिहा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अभी इंट्रा अफगान डायलॉग जो जारी हैं इनका हमें कोई खास रिजल्ट नहीं नजर आ सका है अब तक। क्या कहीं किसी किस्म के डेडलॉक का शिकार हैं ये मुजाकरात? कहाँ आकर बात रुकी है? क्यों अभी तक बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी? मेरे ख्याल में इसमें जो डायलॉग इधर चल रहा है इसमें अभी जो सीरियस जो चीजें हैं वो डिस्कस नहीं हुई है, और इसमें शुरू में ये हो रहा है कि जी आप सीज फायर करें जो है, तो सीज फायर जो है वो तालिबान करने को तैयार नहीं है। मेरे ख्याल में इसमें भी वो सीरियस नहीं है, वो संजीदगी नहीं है जो होनी चाहिए थी कि कौन कौन से इश्यूज है जिसके ऊपर डिस्कस होना है और जिसके ऊपर फैसला होना है। मेरे ख्याल में ज्यादा एक मीडिया की एफर्ट यानी वहां पर खबरें जो है वो चले, इस किस्म की एफर्ट चलती है। हालांकि ये जो मामला है ये बहुत संजीदा मामला है, इनके ऊपर सोचना है, इनके लिए अल्टरनेटिव अगर कोई काम करना है तो अल्टरनेटिव सोचना है, वरना ये यहाँ पर जो है अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। अच्छा, फिर हम ये देख रहे हैं कि जंग बंदी मुकम्मल तौर पे नहीं हो पा रही है, गो के अफगान हुकूमत हो या तालिबान हो दोनों की जानिब से यही कहा जाता है कि अमन कायम करने की कोशिशों में दोनों मसरूफ हैं, लेकिन सीज फायर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा ये सीज फायर? तालिबान की जानिब से मुसलसल क्यों हमले किए जा रहे हैं? क्या उनके मुतालबात हैं ऐसे कि जिसको मुकम्मल नहीं किया जा सकता, जिसको तस्लीम नहीं किया जा सकता और उसके नतीजे में ये सीज फायर जो है वो नहीं हो पा रहा और मुसलसल हमलों का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इसके ऊपर सीरियसली सोचना चाहिए कि गिव एंड टेक है। क्या तालिबान को कोई शिकस्त आपने नहीं दी है और आप मुज़ाकरात के टेबल के ऊपर उनको कहते हैं कि आप यानी सरेंडर करें, तो ये मुमकिन नहीं है। यानी जो आपने उनको देना है उसका सोच लें,
ये गिव एंड टेक है और जो नहीं देना वो भी सोच लें। तो मेरे ख्याल में उस तरीके से संजीदगी से ये काम होना चाहिए। ये कोई एक मीडिया एफर्ट नहीं है कि इस तरह खबर चला के उनको डाउन किया जा सकता है। तालिबान अभी ज्यादा होशियार हो चुके हैं, वो ज्यादा पढ़ लिख चुके हैं, वो एक काम जो करते हैं काफी सीरियसली उसकी तरफ बढ़ते हैं, आप उनको धोखा नहीं दे सकते। और दूसरा ये है कि जो बैटल आपने मैदान जंग में नहीं जीती है आप इधर टेबल पे नहीं जीत सकते। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह हमारे साथ मौजूद थे और तालिबान जंगबंदी पर आमादा नजर नहीं आते, उनका ये कहना था जब तक तमाम तर मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाएंगे उनके बशमूल अफवाज के इनखिला का जो एक देरीना मुतालबा है उस पर अमल दरामद तक शायद ये हमले इसी तरह से जारी और सारी रह सकें। आज के इस प्रोग्राम के लिए फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीर नवाज को इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।